बीते रात दुर्ग के मोर्चा पॉइंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास तीन युवक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे और जिनमें से एक युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं दो युवकों को उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना नगर निगम द्वारा अमृत मिशन के लिए खोदी गई पाइपलाइन के कारण हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने दुर्ग जिला अस्पताल के मॉर्चुरी में मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। उसके बाद दुर्ग धमदा बाईपास रोड पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। क्योंकि प्रावधान उतने का है नहीं, जो शासन का प्रावधान है लगभग 25,000 का है, सड़क दुर्घटना की मृत्यु होगी तो वो दिया जा रहा है। आगे की प्रोसेस को लेकर जिस तरह परिजनों ने चक्का जाम किया है और उनको ये जो मांग है उसको किस तरीके से जिला प्रशासन उनका ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर घटना ना हो तो इसके लिए प्रॉपर जो सावधानी बरती जाए तो उसका एहतियात बरता जाएगा। चूँकि रोड कंस्ट्रक्शन में था, अंडर कंस्ट्रक्शन में हमारी भी जवाबदारी बनती है कि हम लोग को रोड यदि कंस्ट्रक्शन पीरियड में है तो उस पीरियड में सावधानी से चलना चाहिए। जो यहाँ के जो लोकल पार्षद है उनका कहना है कि अमृत मिशन के लिए यहाँ पाइपलाइन खोदी जा रही थी तो उसकी वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। हाँ, वो पाइपलाइन बिछा हुआ, चूँकि वन साइड का पहले बन चुका था, वन साइड का पाइपलाइन बिछा हुआ था जो कि कंस्ट्रक्शन एरिया में था, इसलिए वहाँ पर बोर्ड भी टंगा हुआ था, डिवाइडर पर लगा हुआ था। ये पूरा दुर्ग नगर निगम की कमजोरी है, लापरवाही है। आज से 2017 में अमृत मिशन का पाइपलाइन लगाने का पूरा निविदा था, जो 21 तक इसको ख़त्म कर देना था। आज 2023 हो गया, 2 साल एक्स्ट्रा हो गया, अभी तक अमृत मिशन का काम पूर्ण नहीं किया है। जहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे खुदाई करे इसको 6 माह हो गया, एक तरफ का रिपेयरिंग कर दिया, एक तरफ का छोड़ दिया था। आज सबेरे हम आ करके देखे तो पूरा मट्टी को ढेर करके वहीं रख दिया था, एक तरफ रोड को ब्लॉक कर दिया था, इसके कारण से एक्सीडेंट हुआ है। ये एक्सीडेंट का कारण सिर्फ नगर निगम प्रशासन, महापौर और विधायक ही है।